Hey everyone, welcome back to my channel. So in today's video, मैंने प्रिया प्रकाश inspired makeup tutorial तैयार किया है. एकदम exactly वैसा नहीं है, उतना bold नहीं है. मैंने इसको थोड़ा smokey look दिया है. So if you're interested, then keep on watching. I know I can't wink. So सबसे पहले मैं अपने बाल बांध लूँगी. As I always do. अब मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि सौंदर्य कोकोनट क्रीम टू मॉइस्चराइज माई फेस. मेरी फेवरेट क्रीम है. अब मैं मेरे लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही हूँ निविया चैपस्टिक से. बिल्कुल ख़त्म ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल. ये थोड़ा सा जो भी बचा है वो लगा रही हूँ. नाउ आई एम गोना बी फिलिंग माय आईब्राउज. और मैं मेकअप एकेडमी के का आई शैडो यूज़ कर रही हूँ. उनकी ये विंटर फॉरेस्ट पैलेट है मेकअप एकेडमी की MUA की. और बस एक छोटे से ब्रश से मैं अपने आईब्राउज को फिल कर लूँगी. अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ मेरी आईब्राउज को डेडिकेटेड, तो गिव दिस वीडियो अ लाइक और कमेंट. आई विल डेफिनेटली मेक वन. और ये ब्रश जो है मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था 3-4 साल पहले. नथिंग स्पेशल, कोई सा भी छोटा सा ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं. अब मैं मेरे फेस को प्राइम करूँगी. मैं यूज़ कर रही हूँ गार्नियर की बीबी क्रीम. मैं इसे प्राइमर की तरह यूज़ करती हूँ. बहुत बढ़िया लुक आता है इससे और मेरी स्किन को पहले ही इवन आउट कर देती है ये क्रीम. आप चाहें तो आप फाउंडेशन यूज़ ना करके यही यूज़ कर सकते हैं और पाउडर कर सकते हैं फेस को. अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी मेबलिन ड्रीम वेलवेट सॉफ्ट मैट हाइड्रेटिंग फाउंडेशन इन द शेड 15 आइवरी. और इसकी मैं पतली सी लेयर लगा लूँगी. मैं ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि उनका फेस काफ़ी लो कवरेज था, तो नथिंग हाई कवरेज. अब मैं मेरा फेस कॉन्टोर कर लूँगी. मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की ड्यूअल एंडेड कॉन्टोर स्टिक. पहले मैं कॉन्टोरिंग शेड को ब्लेंड करती हूँ, उसके बाद मैं हाइलाइटिंग शेड लगा के उसको ब्लेंड करती हूँ. दोनों चीज़ें मैं साथ में नहीं लगाती. आप चाहें तो लगा सकते हैं. दिस इज़ जस्ट हाउ आई डू इट. प्रिया प्रकाश का लुक पूरा मैट था उस क्लिप में. कोई हाइलाइटर नहीं लगाया था उनने, कोई भी मतलब चमक नहीं थी. तो मैं सिर्फ यहाँ पे सारे मैट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ. कोई भी शाइनी ग्लिटरी कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ. अब मैं मेरे फेस को हाईलाइट कर लूँगी यूजुअल प्लेसेस. अब मैं इसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी. ब्रश मैंने लोकली ख़रीदा था, नथिंग स्पेशल. अमेज़ॉन पे भी मिल जाते हैं ऐसे ब्रशेस. मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि ब्लेंडिंग में मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेती हूँ. अगर मेकअप ब्लेंडेड नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा. अब मैं पूरे चेहरे पे फ्रीडम मेकअप का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लगा रही हूँ ताकि मेरा फेस मेकअप सेट हो पाए. अब मैं मेरी MUA पैलेट ले रही हूँ, उसका पीच शेड. पूरी अपनी आईलेट्स पे लगा रही हूँ, ब्राउज के नीचे भी लगा रही हूँ और वाटर लाइन के नीचे भी लगा रही हूँ. अच्छे से मैं पूरे एक बेस की तरह इस कलर को यूज़ करूँगी. अच्छे से उसको ब्लेंड कर लूँगी. अब मैं इसका डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ सेम पैलेट का और उसको मेरी मोबाइल लिड जो रहती है उस पर फोकस करके लगा लूँगी.
और मेरा मेन फोकस मोबाइल लिड है, लेकिन मैं धीरे धीरे इसको क्रीज की तरफ भी ले जाऊंगी। मेरा लुक एकदम सेम नहीं है, मैं थोड़े से कुछ चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर दिए थे। अब मैं पतंजलि काजल यूज़ कर रही हूँ मेरी वाटर लाइन पे। अच्छे से पतंजलि काजल लगा लूँगी। उसके बाद एक इस ब्रश पे, फ्लैट ब्रश था ये, इसकी हेल्प से भी पतंजलि काजल वही अपनी लैश लाइन पे लगाऊंगी। अब मैं धीरे धीरे इसको स्मच कर रही हूँ इस ब्रश की हेल्प से मेरे काजल को। इस लुक की खास बात यह है कि नीटनेस या ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा इसको एफर्टलेस बना रही हूँ मैं। थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर रही हूँ उसको। अब मैं ग्रे शेडो लूँगी और उसको मेरी अपर वाटर लाइन, अपर लैश लाइन पर लगा लूँगी। ये एक स्मजर ब्रश है, ये कलर बार कंपनी का था। इससे इस शेडो को मैं अच्छे से ऊपर नीचे दोनों लैश लाइंस पे अच्छे से लगा लूँगी। इसको अच्छे से मैं इससे काजल को सेट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं काजल सेट हो जाता है और फिर मूव नहीं होता है, स्मज नहीं होता काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। फिर वापस से सारे कलर्स को मैं एक क्लीन ब्रश लूँगी जो अभी तक यूज़ नहीं किया, उससे ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं ब्लैक शेडो ले रही हूँ और इससे थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर रही हूँ मेरी लैश लाइन को, थोड़ा सा डार्क बना रही हूँ। यहाँ पे मुझे लगा थोड़े से मेरे विंग्स लंबे हो गए हैं, तो उनको शॉर्ट करने के लिए मैंने एक स्पंज एप्लीकेटर लिया। हर आई शेडो पैलेट के साथ ये अवेलेबल है, उससे मैं थोड़ा सा उसको हटा दिया, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। अब फिर से मैंने मेरा ग्रे शेडो लिया और ग्रे शेडो से फिर से लैश लाइन को इंटेंसिफाई किया। आप ग्रे शेडो की बजाय चाहते हैं तो आप कोई सा ब्राउन शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा प्रिया प्रकाश के लुक को थोड़ा स्मोकी करके बनाना चाहती थी। आई लव स्मोकी आईज। फिर से ग्रे शेडो लूँगी और फिर से उसको अच्छे से अपनी लैश लाइन पे लगा लूँगी। मैंने ग्रे शेडो को कॉन्स्टेंटली बिल्ड करा है एक इंटेंस स्मोकी लुक देने के लिए। और बस शेडो को मेनली आप अपनी लैश लाइन पे फोकस करना आप जब भी रिक्रिएट करो इस लुक को तो। और फिर एक क्लीन ब्रश लेना और बस सब कुछ ब्लेंड कर देना, काफ़ी अच्छा स्मोकी लुक आ जाएगा उससे। अब मैं मेबलिन का काजल लेके मेरी जो काजल को इनर कॉर्नर की तरफ लगा रही हूँ ताकि थोड़ा इलॉन्गेटेड लुक आए आइज़ में। मैं फिर से ब्लैक शेडो लिया है यहाँ पे मैंने और उसको बहुत अच्छे से इस मजर ब्रश की हेल्प से मेरे काजल के ऊपर लगा लिया है। मैं लैक्मे की रोज़ पाउडर ले रही हूँ और उससे मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी इसको, मेरे विंग को भी, और मैं ब्राउ बोन पे लगा रही हूँ इसको, उससे थोड़ा सा क्लीनर लुक आए। और फिर से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी क्लीन ब्रश की हेल्प से। क्लीन तो नहीं है बट अभी तक यूज़ नहीं किया मैंने किसी शेडो के साथ।
अब मैं मस्कारा लगा लूँगी। मैंने मेरा एक मस्कारा रूटीन अवेलेबल है मेरे चैनल पे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये मस्कारा लगा लिया है। अब मैं ब्लू हेवन एक्सप्रेशन पैन केक इन द शेड आलमंड यूज़ कर रही हूँ एज माई मैट ब्रॉन्जर। इसको मैंने मैट ब्रॉन्जर की तरह यूज़ किया है क्योंकि उनका लुक काफ़ी ब्रॉन्जी कॉन्टोर्ड था और मैट था। आई लव दिस प्रोडक्ट एज अ मैट ब्रॉन्जर। उसके बाद मैं कलर बार का लिप लाइनर ले रही हूँ इन द शेड क्रीमी न्यूड 006, और इसको मैं पूरे लिप्स पे लगा लूँगी अच्छे से। यहाँ पे मैंने ग्लॉस यूज़ करा था इसके बाद, क्योंकि मेरे को मेरे लिप्स थोड़े ड्राई लग रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा मॉइस्चराइज हो जाएंगे ग्लॉस लगा के, तो मैंने थोड़ा सा क्लियर ग्लॉस लगाया, एकदम क्लियर, कोई कलर नहीं था इसमें। मैं फिर से रोज़ पाउडर लूँगी, और रोज़ पाउडर को मैंने अब अपनी आईब्राउज़ के ऊपर लगाया ताकि थोड़ी सी लाइट हो जाए। उनकी आईब्राउज़ थोड़ी सी म्यूटेड थी, मतलब उतनी बोल्ड नहीं थी। अब मैं फिर से मेरे लिप्स पे ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लगा लूँगी ताकि मेरे लिप्स मैट हो जाएं। ये एक ट्रिक है, अगर आपके पास कोई भी ग्लॉसी लिपस्टिक है या कोई भी शाइनी लिपस्टिक है उसके ऊपर अगर आप ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लगाएंगे तो वो मैट हो जाएगी। मैं अपने बाल एक तरफ लेके जा रही हूँ, जहाँ से मैं मांग निकालती हूँ उसके थोड़े से पीछे से मैंने दूसरे साइड पार्टिंग कर ली है, तो मेरे बाल बाउंसी हो गए हैं। और इसको कुछ नहीं, बस गूथ लेंगे नॉर्मल 3 स्ट्रैंड ब्रेड। इसको मैं नीट एकदम बनाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली मैसी ब्रेड थी उनकी, मैं वैसे ही थोड़ा इसको मैसी लुक देने के उसमें हूँ। और मैं नीचे तक भी गूथूंगी नहीं, आधे में ही गूथ के मैंने छोड़ दिया ताकि थोड़ा एफर्टलेस लुक लगे। इसको थोड़ा सा मैं पैनकेक कर दूंगी। बस ये है मेरा कंप्लीटेड लुक, प्रिया प्रकाश इंस्पायर्ड स्मोकी आईज। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई नो आई कांट विंक। और ये लुक काफ़ी वर्सेटाइल है, काफ़ी सारी ड्रेसेस के साथ चला जाता है। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, गिव दिस अ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, हैव अ नाइस डे।